क्या बनूं। ये एक नाम आज की तारीख में भले ही ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ लिया जाता हो, ये एक नाम आज की तारीख में भले ही दिलीप कुमार के बिना अधूरा रह जाता हो, लेकिन आपको बता दें, दिलीप कुमार की सिर्फ बेगम नहीं है सायरा बानो, बल्कि इसके अलावा उनकी अपनी भी पहचान है। इसके अलावा सायरा बानो ने हिंदी सिनेमा जगत में एक मुकाम हासिल किया है जिसे शायद आज की तारीख में लोग भूल बैठे हैं। आज सायरा की सारी दुनिया भले ही उनके पति दिलीप कुमार के इर्द गिर्द घूमती हो, भले ही आज सायरा बानो की जिंदगी का मतलब सिर्फ उनके पति की देखभाल करना हो, लेकिन जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि अगर दिलीप साहब के प्यार में ना पड़ी होती सायरा, तो आज हिंदी सिनेमा जगत की कितनी बड़ी अभिनेत्री होती। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सायरा बानो ने अपनी खूबसूरती के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर हिंदी सिनेमा जगत में मुकाम हासिल किया है। सायरा ने अपनी खूबसूरती के बल पर, अपने अभिनय के टैलेंट के बल पर लोगों को दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है। आज की तारीख में बीमार पति दिलीप कुमार की सेवा में लगी हुई सायरा बानो 60-70 के दशक में किस तरह की थी और किस तरह दिलीप साहब ने उन्हें कभी ना भरने वाला एक जख्म दे दिया, ये तमाम जानकारियां आपको जानने के लिए मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में आज हम आपसे सायरा बानो के बारे में बात करने जा रहे हैं। सायरा बानो जिनकी पहचान आज की तारीख में दिलीप कुमार की पत्नी के तौर पर बन कर रह गई है, सायरा जिनका नाम अब लिया जाता है सिर्फ उनके पति दिलीप के साथ, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इन सबसे आगे सायरा बानो की अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या इन सबसे आगे सायरा बानो का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? इस सवाल का जवाब है हाँ, दिलीप कुमार की पत्नी से आगे भी सायरा बानो की अपनी जिंदगी है, सायरा बानो की अपनी पहचान है। बता दें आपको, आज उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद सायरा अपना सारा समय पति दिलीप की सेवा में बिताती है। सायरा अपना सारा टाइम दिलीप कुमार की देखरेख में बिताती हैं, लेकिन एक समय पर यही सायरा हिंदी सिनेमा जगत में राज कर रही थी। एक समय था जब यही सायरा हिंदी सिनेमा जगत की जान बन चुकी थी। बता दे आपको, सायरा बानो आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, चाहे ये पहचान उन्हें फिलहाल पति दिलीप की वजह से ही क्यों ना मिली हो। खूबसूरत हीरोइन एक समय पर सायरा बानो थी, जो अब लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहती हैं। सायरा से जुड़े कई राज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस पति के लिए हर रोज भगवान से दुआएं करती है सायरा, जिस पति की हर रोज रात को बच्चे की तरह नजर उतारती है सायरा, उस पति ने सायरा को दिए हैं कितने गम, चलिए आपको बताते हैं। बता दे आपको, सायरा बानो तो दिलीप कुमार को पहली ही नजर में प्यार करने लगी थी। दिलीप कुमार से शादी करने का सपना उन्होंने बचपन में ही सजा लिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने कई दफा सायरा को धोखा ही दिया है। जी हाँ, बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने सायरा बानो को छोड़ दिया था आसमा के लिए, और इन सब के बाद सायरा का दिल पूरी तरह से टूट गया। आज भी सायरा बानो उस दर्द को नहीं भूली है जो उन्हें उस वक्त मिला जब दिलीप कुमार उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। सायरा जो चाहती तो दिलीप कुमार से तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकती थी। सायरा जो चाहती तो दिलीप कुमार को छोड़कर किसी और के साथ अपना घर बसा सकती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा को छोड़ा बावजूद इसके। सायरा बानो ने दिलीप कुमार का ख्याल अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाला, और इसी प्यार की बदौलत एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि सिर्फ सायरा ही हैं जो उन्हें प्यार कर सकती हैं। बता दे आपको, सायरा बानो और दिलीप कुमार आज की तारीख में भी
करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन इनकी असल संपत्ति इनके रिश्ते का प्यार है, इनका विश्वास है। गौर हो कि 17 साल की उम्र में फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की सायरा बानू ने। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया। फिल्म पड़ोसन ने सायरा को दर्शकों के बीच पॉपुलर बना दिया, जिसके बाद 60-70 के दशक में सायरा एक सफल अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। सायरा छोटी थी तो अपनी अम्मी की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 12 साल की उम्र से दिलीप कुमार को पसंद करने लगी और इन सबके बीच में उम्र के फर्क के चलते सायरा को दिलीप कुमार ने कभी प्यार करने के बारे में नहीं सोचा। 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानू ने अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया और शादी कर ली। बताया जाता है कि दिलीप कुमार से पहले सायरा का दिल राजेंद्र कुमार पर आया, जो शादीशुदा थे, 3 बच्चों के पिता थे। तो ऐसे में सायरा की मां नसीम को जब इस बात की भनक लगी तो बेटी की नादानी पर उन्हें बेहद गुस्सा आया और इन सबके बाद सायरा बानू पूरी तरह अलग हो गई राजेंद्र कुमार से और दिलीप कुमार से प्यार करने लग गई। जिंदगी के हर मोड़ पर सायरा बानू और दिलीप कुमार एक दूसरे का साथ निभाते हुए नजर आए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद कोई औलाद तो इनकी नहीं है जो इनका ख्याल रख सके, कोई औलाद तो इनकी नहीं है जो इनका सहारा बन सके। ऐसे वक्त में दिलीप कुमार और सायरा बानू एक दूसरे का सबसे मजबूत सहारा बने हुए हैं और ताउम्र बने ही रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से जिस दिलीप कुमार के लिए सायरा ने उम्र का फासला नहीं देखा और शादी करने का फैसला ले लिया, जब उन्हीं दिलीप कुमार ने सायरा को ठोकर मारी तो सायरा का दिल टूट गया। लेकिन वाकई कितनी महान शख्सियत है सायरा बानू, जो सब कुछ भूलकर बाहें फैलाकर दोबारा दिलीप कुमार को गले लगा बैठी और आज तक उनका साथ दे रही हैं, आज तक उनका साथ निभा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सायरा बानू उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद कितनी बदल गई हैं, क्योंकि पहले तो बेहद खूबसूरत थी। आज मीडिया के बीच सायरा को लेकर सम्मान है और सायरा किस तरह से दिखती हैं हाल ही में नजर आई हैं एक इवेंट में, सायरा की झलक देखिए जरा। सायरा बानू भले ही अभी फिल्म इंडस्ट्री से काफी ज्यादा दूर हो, भले ही फिल्म इंडस्ट्री में अब सायरा के लिए कोई जगह ना हो, लेकिन 75 साल की सायरा बानू आज भी बेहद खूबसूरत है। वो आज भी कहीं जाती हैं तो लोगों की नजरें उन्हें ही देखती हैं। देख रहे होंगे आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में एक वीडियो, कृष्णा बजाज फैशन शो की ओपनिंग स्टोर पर यहां पहुंची सायरा बानू और साड़ी देख रहे हैं आप। साड़ी में सायरा का एक बेहद बेहतरीन अंदाज यहां पर नजर आ रहा है। बुढ़ापा भले ही सायरा बानू को अपनी आगोश में ले चुका है, लेकिन उसके लक्षण यहां पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रहे। सायरा के चेहरे का नूर देखिए आप, सिंपल साड़ी में भी सायरा बानू कितनी खूबसूरत लग रही है। चेहरा देखिए उनका किस तरह से चमक रहा है और जिस अंदाज में मीडिया के साथ सायरा बानू बात कर रही हैं, जिस अंदाज में मीडिया के साथ हंसकर सायरा बानू अभिवादन करती हुई उनका मीडिया को पोज देती हुई नजर आ रही हैं, उनका ये अंदाज हर किसी का दिल जीत रहा है। इसी अंदाज के बलबूते बता दें आपको, आज भी सायरा बानू को मीडिया के लोग काफी ज्यादा सम्मान देते हैं। आज भी मीडिया के लोग सायरा बानू का काफी ज्यादा मान करते हैं। दिल जीत लेने वाला सायरा का ये वीडियो देखिए जरा। तो देखा आपने किस तरह से सायरा बानू अपने आप में एक महान अभिनेत्री हैं और एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर हमेशा जानी जाती हैं जिनको रिप्लेस कर पाना नामुमकिन है। इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।